सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं स्वागत करदी हां। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे नंबर सिस्टम दे नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दा पार्ट टू। जिहड़े भी स्टूडेंट ETT दे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जां फिर पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ दा एक फर्स्ट ते इंपॉर्टेंट टॉपिक हुंदा नंबर सिस्टम। ते कल असी नंबर सिस्टम टॉपिक शुरू कीता सी जिसका असी अज पार्ट टू करन जा रहे हैं। कल बिल्कुल असी जीरो लैवल तो एक पार्ट शुरू करवाया सी तुहानू नंबर सिस्टम का, जिस दे अकॉर्डिंग अज असी उसका पार्ट टू करन जा रहे हैं। तो अज के इस पार्ट के असी उही सम करांगे जिहड़े अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम के रिपीट हो चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर कर देना। सब तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ साडा अज का। उन्होंने बोलिया तुहानू कुछ नंबर दिते है कि इन्हां दे मल्टीप्लाई करन तो बाद, इन्हां दा गुणा करन तो बाद इन्हां दा इकाई अंक की बनता वा। जे असी कल्ला इकाई अंक ही दसना, कल्ला यूनिट डिजिट ही दसना, तो असी बाकियां नू क्यों लईए? असी हरेक नंबर का यूनिट डिजिट लै लैंदे हां, जाने कि हरेक नंबर का इकाई अंक लै लैंदे हां। 463 का इकाई अंक किन्ना वा? 3। ठीक है, उस तो बाद 917 का इकाई अंक किन्ना होया? 7। तो 618 का इकाई अंक किन्ना? 8। तो 784 का इकाई अंक किन्ना? 4। ठीक है, असी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 4 = 32 होंगे आ। ठीक है, उस तो बाद 7 × 21 होंगे आ। ठीक है, मैं दो नंबर मल्टीप्लाई करती, पर असी की दसना कल्ला इकाई अंक, तो मैं ये कल्ला 2 लै ली हाँ, तो ये 1 लै ली हाँ, इन्हों मल्टीप्लाई करा 2 × 1 = 2, जाने कि 1 × 2 = 2। तो देखो तुहाड़ा राइट आंसर बन रहा 2, कि इन्हों की मल्टीप्लाई करन तो बाद इन्हों का इकाई अंक की बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, क्योंकि एक लॉजिकल मैथड है। अगे असी करते हैं अगला सम। उन्हें बोलिया जेकर संख्या संख्या दी है तुहानू कोई, तो एक स्टार दिता होया। ठीक है, ये संख्या के स्टार दिता होया, कहिंदा इह संख्या पूरी पूरी 3 ते वंडी जांदी आ। जे पूरी पूरी 3 ते वंडी जांदी आ तो 3 की जगह पर दसो की है जिहड़ा स्टार आ, स्टार बनाया होया ना, ये तुहाडे कोले सामने दिख रहा तुहानू, इस स्टार की जगह पर दसो की आएगा। इस तरह के सम अक्सर एग्जाम के पुछे जाते हैं, कोई भी प्लस टू लैवल की पोस्ट होवे जां फिर ग्रैजुएशन लैवल की पोस्ट होवे, हरेक कंपीटेटिव एग्जाम के सम एक आंदा ही आंदा। ठीक है, तो इसनों ध्यान नाल समझ लेना कि इहदा की मैथड आ। जदों भी साडे कोले कोई संख्या 3 ते भाग वाली होवे, डिविजिबिलिटी ते मैं अलग एक वीडियो बना दित्ती आ, तुसीं ओह वी देख सकदे हो। तो अज दी इस वीडियो दे विच सानूं 3 ते आ, असीं अगे दी अगे बाकी भी करांगे। ठीक है, उहने बोलिया जेकर संख्या इह दित्ती होई आ तुहानूं पूरी दी पूरी 3 ते वंडी जावे तां स्टार दी जगह ते दसो की आवेगा। सब तो पहलां देखो, जदों भी 3 दी गल होवे कि कोई नंबर 3 ते डिवाइड हो रहा, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 5 + 1 + 7 + *+3 + 2 + 4, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋੜ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਡਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ ਉਹ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 + 1 = 6, 6 + 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 13, 13 + 3 = 16, 16 + 2 = 18, 18 + 4 = 22। हुण यह नंबर उन्हें बोलिया कि 3 ते पूरा पूरा वंडिया जांदा, पूरा पूरा 3 ते तां वंडिया जाऊगा जेकर इहदा जोड़ 3 ते वंडिया जाऊगा। हुण तुसीं देखो ऑप्शनां दे विच्चों जेकर मैं 0 ऐड करां तां 22 रह जाणा, 22 तां 3 दे पहाड़े च आउंदा ही नहीं। ऑप्शनां दे विच्चों हुण मैं B दी गल करां, जे मैं 1 ऐड कर लां तां इह 23 बन जाणा, 23 तां 3 दे पहाड़े च आउंदा ही नहीं, तां इह मतलब डिवाइड नहीं, 0 भी नहीं आउणा, 1 भी नहीं आउणा, मतलब ना ए ऑप्शन आ ना बी ऑप्शन आ। फिर सानूं दित्ता होया अगे 2, सी ऑप्शन, इहनूं मैं ऐड किया 24। हुण इह 3 ते पूरा पूरा वंडिया जांदा, 1 + 3 = 8, 3 + 4 = 24, तां 8 आ गया। इहदा मतलब की आ कि जेकर मैं स्टार की जगह पर 2 रखां फिर ही यह नंबर 3 ते पूरा पूरा वंडिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, हुण असीं अगे गल करदे हाँ। तुसीं मैं तुहानूं एक सम दिंदी हाँ जिस दे विच तुसीं दसोंगे कि इह 3 ते वंडिया जांदा जां नहीं वंडिया जांदा। ठीक है, तुसीं यैस और नो च आंसर दसोंगे। मैं तुहानूं कोई भी सम दे दिंदी हाँ, इत्थे कोई भी स्टेटमेंट दे दिंदी हाँ,
हुण तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दसोंगे कि ये नंबर तीन ते पूरा पूरा वंडिया जांदा। मैथड मैं तुहानू दस चुकी हाँ कि सारियां दा जोड़ करो कल्ले कल्ले डिजिट दा। जोड़ करन तो बाद जेकर वो जोड़ पूरा वंडिया जांदा तीन ते तां इह संख्या भी वंडी जाएगी। ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकदी, इदू वध भी तुसी वधा सकदे हो अपनी प्रैक्टिस दे लई। ठीक है जी, जे पूरा पूरा तीन ते वंडिया जांदा, इहदा सम पूरा पूरा तीन ते वंडिया जाऊगा, फिर ही असीं कह सकदे हां कि इह पूरा पूरा तीन ते वंडिया जाएगा। हुण तुसी इत्थे दो रख के देख सकदे हो पूरा पूरा तीन ते वंडिया जाएगा। ठीक है जी, पर जेकर तुसी कोई होर डिजिट लैंदे हो इस तो बिना तो वह नहीं वंडिया जाएगा। हाँ, इस तो इलावा ऑप्शन दे विच कुछ भी हो सकता जिहदे कोरसपोंडिंग वंडिया जाए, वह तुहानू इसे तरह सम नूं उहदा सम करके जोड़ के देखने पैने आ। ठीक है जी, कुछ भी हो सकता एग्जाम दे विच, ऑप्शन तुहानू हो सकता इस तो वड्डियां भी आ जाण, उत्थे छे आ जाए, बाईयां दे विच छे जोड़ांगे 28 हुंदा वा, फिर उत्थे पंज आ सकदा वा, बाईयां च पंज जोड़े आ किन्ना होऊगा, बाईयां च मैं पंज जोड़ूंगी 27 बणूगा, तीन दे पहाड़े च 27 आउंदा वा, हाँ जी आउंदा वा, तां असीं की कह दांगे उत्थे पंज ऑप्शन लगा दांगे। हुण तां इत्थे पंज नहीं गी ना, तां इसदे कोरसपोंडिंग आंसर दो आ। जेकर तुसीं मैथड समझ लैंदे हो तां उत्थे ऑप्शन कोई भी आ जाए तुसीं आसानी दे नाल अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी, हाँ जी, जेकर इत्थे तक वीडियो चंगी लगी तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर देना। अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन, अगे असीं सम थ्री करते हैं। थर्ड दे विच देखो उन्होंने कहा कि इन्हां विचों किहड़ी संख्या 99 ते पूरी पूरी वंडी जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 99। ठीक है, तो इन्हां दे विचों तुसीं दसना भी किहड़ी संख्या वा जिहड़ी 99 ते वंडी जाएगी। तो इन्हां दे विचों जदों मैं तुहानूं डिविजिबल करवाया सी, डिविजिबिलिटी करवाई आ, डिविजिबिलिटी वाले सम तुसीं ओह वीडियो देख सकते हो अलग तो, इहनूं असीं तोड़ के लिख सकते हैं 99 नूं 11 गुणा 9 दे विच। ठीक है, जां फिर इस तो तोड़ लो एलसीएम लैके जिवें तुसीं तोड़दे हुंदे आ 11 गुणा 3 फिर अगे गुणा 3। ठीक है, हुण इहदे विचों 3 दा रूल तां मैनूं पता ही आ, जिहड़ा 3 दा रूल लगना उही रूल 9 ते लगना कि उहनां दा सम पूरे दा पूरा सम मतलब जोड़ आ जिहड़ा उह की होणा चाहीदा 9 ते डिवाइड होणा चाहीदा, जे 3 दा देखणा तां 3 ते डिवाइड होणा चाहीदा वा। ठीक है, ते अगला स्टैप की आ कि 11 दा मेन तुहाडे लई है हुण 11, तां इहदे लई उहने सानूं इन्हां ऑप्शनां दे विचों बोलिया कि किहड़ा इन्हां दे विचों इदां दी ऑप्शन आ जिहड़ी पूरी दी पूरी 99 ते वंडी जावे। सब तो पहलां इक शॉर्ट ट्रिक दसदी हाँ कि जदों भी साडे कोले कोई इदां दा नंबर आउंदा, देखो जे असीं 9 ते चेक करांगे ना तां इन्हां दे विचों बहुत इदां दे नंबर होणगे जिहड़े बहुत ज़्यादा उभर के साडे सामने आउणगे। तुसीं इस तों की चंगा कि सीधा 11 वाला मैथड ला लो, जे उह 11 ते डिवाइड हो गया तां पक्का ही आ वी 9 ते वी होऊगा ही। ठीक है, जे कोई नंबर 11 ते डिवाइड हो गया ना इहदे विचों, क्योंकि असीं 99 ते दसना ते उहने ऑप्शनां इसे तरह पाईआं होणियां कि जे नंबर उह 11 ते डिवाइड हो रिहा तां उह पक्का ही 9 ते होऊगा। इह है साडे टाइम बचाउण वाली गल। ठीक है, कि साडा टाइम जिहड़ा खराब नहीं होवेगा जेकर असीं कल्ली कल्ली ऑप्शन नूं पहलां 9 चेक करांगे 11 ते चेक करांगे। देखो ये पक्का ही है कि तुहानूं इहदे विचों जिहड़ियां ज़्यादातर ऑप्शन मिलणगियां 9 वालियां। इस तों चंगा कि पहलां 11 वाला मैथड ला लो, 9 वाला तां सानूं पता ही आ, असीं 9 वाला उहदे ते बाद च ला लांगे। 11 वाला मैथड की आ कि तुहानूं पता है इक साडे कोले हुंदी है ईवन प्लेस ते इक हुंदी आ ऑड। ठीक है, इक ईवन ते इक ऑड, इक ईवन ते इक ऑड, इसे तरह असीं चलदे जांदे आ। पर पहलां असीं किहड़ी लैणी आ, मेन मुद्दा इह आ, पहली हुंदी आ साडे कोले टांक। ठीक है, जिवें इत्थे मेरे कोले ऑप्शन दित्ती हुई है, ए ऑप्शन की गल करिए 35 72 404, ये विचों असी की लैना वा टांक संख्यावां लैनियां। ठीक है, टांक संख्यावां दे स्थान लैने आ, ना कि टांक संख्यावां लैनियां। मतलब पहला स्थान जे टांक संख्या दा वा ना तां इक छड्ड के दूजा भी टांक संख्या दा होऊगा। टांक स्थान लैने आ, मैं फिर तो बोल रही हाँ एक बार। ठीक है, इन्हां दा तुसीं करना सम, इन्हां दा जोड़ करना, 3 ते 7 10, 10 ते 4 14, 14 ते 4 18। ठीक है, उस तो बाद तुसी की लैने जिहड़े नंबर बच गए उन्हां दा जोड़ कर लो, जाने कि ईवन प्लेसिस जिहनूं तुसी बोलदे आ जिस स्थान, तुसी जिस स्थान लओगे 5 ते 2 7 अगे 0। हुण इन्हां दा माइनस करना, असी की आ इन्हां दा डिफरेंस चैक करना, इन्हां दा डिफरेंस जे 0 आ गया दैट मीनस उह नंबर 11 ते डिवाइड हो रहा, पर इन्हां दा डिफरेंस 0 नहीं आ रहा, इन्हां दा डिफरेंस बन रहा वा 11। तां इहदा मतलब की है कि ए ऑप्शन आ जिहड़ी साडे कोले हो सकदा
जेकर तुहाडे कोले एक नंबर इहदा प्रोसैस की आ 11 वाले का जो भी तुहाडे कोले कोई नंबर 11 ते इनविजिबल वाला आ जाए जिवें इह सम पिया वा ठीक है तुसीं एक तो ईवन ते ऑड प्लेसिस का सम करना वा ते उदू बाद उन्हां दा माइनस करके अंतर आ जां तां जीरो होना चाहिए जां जीरो होना चाहिए जां ओह 11 दे नाल 11 दा मल्टीपल होना चाहिए जां ओह 11 दा मल्टीपल होना चाहिए पर इह तां 11 दा मल्टीपल हो गया तो असीं की आ हुण इहनूं 3 ते चैक करांगे जां 9 ते चैक करांगे ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਤੇ 5 8 8 ਤੇ 7 15 15 ਤੇ 2 17 17 ਤੇ 4 21 21 ਤੇ 4 25 ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 25 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ 25 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 11 ਤੇ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 11 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ 11 ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਹੀ 9 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 99 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ 11 ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ 11 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ 3 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਈਵਨ ਸਥਾਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਔਡ ਸਥਾਨ ਲੈਣੇ ਆ ਈਵਨ ਸਥਾਨ ਟਾਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਔਡ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਔਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋੜ 5 ਤੇ 1 6 6 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 15 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 7 10 10 ਤੇ 2 12 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 3 ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਟਾਂਕ ਸਥਾਨ ਲੈਣੇ ਆ ਟਾਂਕ ਸਥਾਨ ਟਾਂਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਟਾਂਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 9 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 9 ਪਲੱਸ 3 12 12 ਪਲੱਸ 6 18 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 4 4 8 ਤੇ 1 9 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 9 ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣਿਆ ਜੇ 0 ਜਾਂ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 11 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 11 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 99 ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 11 43 45 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਟਾਂਕ ਸਥਾਨ ਲੈਣੇ ਆ ਟਾਂਕ ਸਥਾਨ ਲੈਣੇ ਆ ਨੋਟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਤੇ 1 5 5 4 9 ਅੱਗੇ 1 3 ਤੇ 1 4 ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ 5 ਕੀਤਾ 9 ਹੁਣ ਇਹ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ 11 ਨੂੰ 11 ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹ 3 ਤੇ ਜਾਂ 9 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ 1 ਪਲੱਸ 1 2 2 ਤੇ 4 6 6 ਤੇ 3 6 ਤੇ 3 9 9 4 13 13 ਤੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ 18 ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 9 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੂਣੀ 18 ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਡੀ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਈਵਨ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਉਹ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ
हुण तुसी देख सकते हो तो कदे भी पेपर दे विच जदों भी कोई एग्जामीनर इस तरह के सम पाऊगा कदे भी ए ऑप्शन नहीं रखूगा। बहुत घट चांस होणगे वी तुहाडे कोले ए ऑप्शन होवे। ऑप्शन तुहानू पिछलियां ही मिलणगियां पर फिर भी तुसी ध्यान नाल करना अपना सम तिके टुक्का नहीं लाउणा कि असी डी ओ ही लगावांगे। अगे देखो सब तो पहला असी ऑप्शन ए चेक कर लैने आ, वह है तुहाडे कोले दित्ती 23, 5, 6, 4, 1। असी की लैने पहला टांक स्थान लैने, मतलब पहला टांक पहला तो शुरू करना, एक छड़ के अगला टांक ही होगा। इन्ह का करो जोड़, 5 ते 2 7, 7 4 11। फिर अगे 3 जो बच गए उन्हों का जोड़ कर लो, 3 ते 1 3 ते 6 9 9 ते 1 10। हुण ए बन गया मेरे को एक, दैट मीनस ऑप्शन ए भी की आ 11 ते डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि जे जिहड़ी ऑफ जिहड़ा इन्हां दा अंतर है ना माइनस करन तो बाद जां तां उह 0 होना चाहिए जां फिर उह 11 दा मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, हुण असीं ऑप्शन बी दी चैक कर लैने आ। तुहाडे कोले दित्ती होई आ ऑप्शन बी 24, 56, 42। मैं हुण इन्हां दे विचों टांक स्थान लै लैनी आ, टांक स्थान इन्हां दा जोड़ कर लैनी आ, 5 ते 2 7, 7 ते 4 11। ठीक है, फिर 4 6 10 ते अगे आ गया 12, तो इतने मेरे को बन गया -1। तो ए वी ऑप्शन ना तो यह 0 बनया ना ही 11 का मल्टीपल बनया, दैट मीनस वी ऑप्शन भी कैंसल हो गई। फिर अगे सी देख लें 31, 56, 24। इन्हों के टांक स्थान लै लो, मतलब एक छड़ के दूसरे लै लो, 3 तो 3 5 8, 8 ते 2 10। ठीक है, 6 4 10 ते 1 11, ये भी मेरे को -1 बन गई। तो दैट मीनस असी की कहांगे कि सी ऑप्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो तो इन्हों का सम 11 का मल्टीपल होना चाहिए जां फिर 0 बनना चाहिए वा। अगे असी गल कर लें डी ऑप्शन की, 4 15 6 24। हुण मैं इन्हां दे विचों फिर टांक स्थान लैनी हाँ, 5 4 9 9 ते 2 11, 6 ते 1 10 सॉरी 6 ते 1 7 7 4 11। तो इन्हों का जोड़ा मेरे को अंतर वो 0 बन गया, दैट मीनस यही इदा का नंबर आ जोड़ा 11 से पूरा पूरा वंडिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगे देखो अगे उन्हें बोलिया कि पहलियां 5 अभाज संख्यावां दा जोड़ दसो, पहलियां 5 अभाज संख्यावां। हुण जिहड़े तां स्टूडेंट्स ने नंबर सिस्टम दा पार्ट 1 कीता वा वह तां आसानी दे नाल इस सम नूं अटैम्प्ट कर सकदे आ। ठीक है, पर जिहड़े स्टूडेंट्स ने नंबर सिस्टम दा पार्ट 1 नहीं कीता उहनां नूं तां पहलां इह नहीं पता लगेगा कि अभाज संख्यावां की हुंदियां। ठीक है, तो जिन्हों पता वा उन्होंने लिए तो बहुत ईजी सम आ, कहे मैडम इदा के सम तो पेपर च नहीं आते, जबकि इदा के ही आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भाज के अभाज संख्यावान पजल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने ऑप्शन तो हरेक के ढंग ही दतिया होंगे जिस तरह से सोचते हैं, क्योंकि वह तो साढ़े तो भी उपर सोचते हैं। तो अभाज अभाज संख्यावान कि होंदिया वा, वो नंबर जोड़े सिर्फ आपदे भाड़े चाहते हैं, जिमें 2 3 5 7 उस तो बाद आ गया 11। ठीक है, ये नंबर इदा दे आ जिहड़े सिर्फ आपदे भाड़े चाहते, इस तो बाद होर भी नंबर आ किड़े आ 13 19 23। ठीक है, अप टू 100 इदा चलते रहेंगे अगे दी अगे नंबर। तो हुण उन्हें पहले 5 कहा से, तो मैं पहले 5 अभाज संख्यावान लै लिया, उन्हें बोलिया कि इन्हों का जोड़ दसो किन्ना होगा, तो इन्हों का जोड़ कर दें 2 ते 3 5 5 ते 5 10 10 17 17 तो बाद इन्हों का जोड़ किया 17 के असी 11 जोड़े, ये होंगे 28। तो ऑप्शन नंबर इतने डी तुहाडा राइट आंसर बन रहा है। हाँ जी, जेकर इतने तक वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कर देना। हुण तुहाडा होमवर्क है, तो तुसी जल्दी नाल आंसर कमेंट बॉक्स के सेंड करोगे। पहलियां सत्त अभाज संख्यावान का जोड़, पहलियां सत्त अभाज संख्यावान का जोड़ तुसी कमेंट बॉक्स के दसोंगे। पहलियां 5 का तो पता वा 28, अगलियां 2 दा विच जोड़ के कमेंट बॉक्स के 2 सैकेंड ही दस सकते हो। ठीक है जी, अगे असी करते हैं नैक्सट सम। हाँ जी, अगे असी करते हैं नैक्सट सम। उन्होंने बोलिया इन्हां विचों कि संख्या वा जिहड़ी 3 7 9 ते 11 नाल पूरी पूरी वंडी जाती है। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय कंप्लीटली 3 7 9 एंड 11। इन्हां दे विचों कि संख्या वा जिहड़ी पूरी दी पूरी इन्हां नंबरां दे नाल वंडी जाती है। तो तुहानू हर एक नंबर का पता, 3 दे लई तुहानू पता कि इन्हां दा सम करो, फिर उस तो बाद दस दो कि ऑप्शन ये डिवाइड हो रही है, जिहड़ी पूरी पूरी जिन्हों का जोड़ वंडिया गया तो पूरा पूरा 3 ते भी डिवाइड हो रहा, तो उही प्रोसैस 9 का वा। ठीक है, 11 वाला भी पता, जे 9 ते 11 ते कोई डिवाइड कर गया तो 7 ते भी करूगा ही।
ठीक है जी। अगे असी देख लें की प्रोसैस बन रहे हैं। पहला असी जोड़ ही कर लें, हरेक डिजिट का जोड़ जोड़ करते हैं। तो नौ देखो, छे ते तीन किन्ने होंगे, नौ, नौ प्लस नौ अठारह, कल्ले कल्ले नू जोड़ रहे हैं। ये तीन ते डिवाइड आता ना, क्योंकि तीन के पड़े च अठारह आता, तो तीन ते भी डिवाइड करेगा। फिर दो प्लस जीरो दो, दो प्लस सत्त नौ, नौ नौ अठारह। फिर अगे तीन ते सत्त दस, फिर दस उन्नी ते वी। हुण जिहड़ा वी आ उह तीन ते पूरा पूरा नहीं वंडिया जांदा, क्योंकि उह तीन दे पहाड़े च ही नहीं आउंदा, तां सी ऑप्शन तां इत्थे कैंसल हो गई। ठीक है, फिर डी ऑप्शन देख लैंदे आ। सत्त तीन दस उन्नी वी इक्की, इक्की तीन दे पहाड़े च आउंदा, हाँ जी आउंदा। पर इक्की दी जे असीं गल करिए, यही प्रोसैस असीं तीन ते चैक कर रहे हाँ ना, तीन ते चैक कर रहे हाँ। तो नौ दे नहीं आउंदा, नौ दे विच जे आपां नौ दी गल करिए, अठारह नौ च भी आउंदा। ठीक है, फिर ये अठारह भी नौ च आउंदा, बट ये इक्की नहीं आउंदा, तां इत्थों तुहाडी ऑप्शन डी भी कैंसल हो गई। रह साडे कोले किहड़ियां गईआं, दो, इन्हां दोआं नूं असीं ग्यारह ते चैक कर लैंदे हां। सब तो पहलां देखो असीं की करना, ग्यारह दे लई टांक स्थान लै लैंदे हां। टांक स्थान लै ले, टांक स्थान दा मैं जोड़ करां, इत्थों ही पता लग रिहा। नौ ते छे किन्ना आउंदा, पंद्रह, पंद्रह चो तीन माइनस किते बारह, बारह हो गया। बारह देखो, पंद्रह चो तीन माइनस किते बारह, हुण जिहड़ा मेरे कोले अंतर आ उहदा बणिया ही नहीं, मतलब की आ टांक स्थाना दा जोड़ किया, वह बन गया मेरे कोले नौ ते छे हुंदे आ पंद्रह। ठीक है, फिर जिहड़ा ईवन स्थान है, ईवन स्थान तो एक ही आ, तीन पिया विचाले, तीन मैं माइनस किया बारह, ये तो ग्यारह से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि ग्यारह का की प्रोसैस है कि जो माइनस करने बाद जीरो बनना चाहिए, ज कोई ग्यारह का मल्टीपल बनना चाहिए ना, तो बारह जीरो बनया तो ना ही बारह ग्यारह का मल्टीपल आ। दैट मीनस ऑप्शन ए भी कट हो गई, तो रह गई थोड़े को ऑप्शन बी, तो पक्का ही है कि यह सैवन से भी डिवाइड होगी, क्योंकि एक आंसर तो साडा आना ही आ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन गया इस। ठीक है जी, उम्मीद करती हाँ कि तुम्हें इतने तक वीडियो पसंद आई होगी। जेकर इतने तक तुम्हें वीडियो चंकी लगी तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ये ऑप्शन तुहाडी बी है, सत्त ते भी डिवाइड करके देख लेना इहनूं। हाँ जी, अगे असी गल कर लें साढ़े साम नंबर सैवन की। सैवन के उन्होंने की किया वा, उन्हें बोलिया कि इफ एनी नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिहड़े स्टूडेंट्स अगे जाके किसी भी सेंटर लैवल की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सम, पर इन्हां दे विच कुछ भी नहीं हुंदा। ठीक है, इन्हां दे विच कुछ भी नहीं हुंदा, देखो तुसीं आप देखोगे। दस की पावर एन दित्ती आ, माइनस दिता वन, दस की पावर एन का मतलब दस एन बार गुणा हो रहा। उन्हें बोलिया कि ये जेकर एन पूरा पूरा ग्यारह से वंडिया जाए, पूरा पूरा ग्यारह से वंडिया जाए, दैन एन की होगा, ऑड नंबर होगा, ईवन नंबर होगा, ज कोई भी नंबर होगा, ज ग्यारह का ही मल्टीपल होगा। तो सब तो पहला देखो दस की पावर एन, दस की पावर एन नू मैं की लै लैनी हाँ, एन नू एक मान लैनी हाँ। ठीक है, टांक संख्यावां तो शुरू करते हैं। एन नू मैं एक मनिया, माइनस किया वन, दसां दस की पावर एक करांगे, दस की पावर एक मतलब दस एक बार मल्टीप्लाई हो रहा, दस ही रह जाना वा। दस माइनस एक इज इक्वल टू नौ, नौ पूरा पूरा वंडिया जाता वा, नहीं वंडिया जाता, इतों साडा कैंसल हो गया। फिर असी एन नू दो लै लें, दो लवेंगे एन नू, इतने मैं भर दिनी हाँ दो, एन द दस नू एन की जगह पर दो लिखता। पावर होने का मतलब सेम नंबर उन्नी बार मल्टीप्लाई हो रहा, हूँ इतने पावर दो आ, मतलब दस दो बार मल्टीप्लाई हो रहा। दस नू मैं दो नाल मल दो बार मल्टीप्लाई करूँगी, तो दस नू दो बार मल्टीप्लाई किया, दस गुणा दस सौ होंगे, माइनस कितना एक, तो आंसर आ गया 99। 99 ग्यारह से पूरा पूरा डिविजिबल आ, दैट मीनस एन आ जिहड़ा वो ईवन नंबर होगा। इतों सानू हिंट मिल गया, अगे असीं तुहाडे लई एन टांक ते भी करके दिखा दें कि टांक संख्या तो नहीं। दस की पावर तीन माइनस एक किया, दस की पावर तीन माइनस एक करूँगी, तो दस की पावर तीन कितना होता हज़ार, मतलब दस तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस किया एक, तो यह पूरा पूरा वंडिया जाऊगा, नहीं नौ बाकी बच जूगा जो मैं ग्यारह से भाग करूँगी। दैट मीनस जोड़ा टांक आता बिल्कुल भी नहीं गा, यानी कि ऑड नंबर तो बिल्कुल भी नहीं गा ये। ठीक है, ईवन बन सकता, तो एनी नंबर के लिए भी थोड़ा डाउट क्लीयर कर दें। एन फोर भी लैके देख लें, ठीक है, एन फोर लिनी हाँ मैं, एन फोर लिता माइनस किया। ठीक है, जो मैं एन फोर लिया तो इन्हें दस हज़ार बन जाना, माइनस किया एक, तो यह मेरे को रह जाना नौ हज़ार नौ सौ नड़िन्नवे। ठीक है, इनू मैं पूरा पूरा ग्यारह से वंडूंगी, ये वंडिया जाऊगा, हाँ जी नौ सौ नौ आंसर बन जाना मेरे को वंडन तो बाद। ठीक है जी, तो हाँ जी देखो हूँ तुम ये पूरा पूरा वंडिया जा रहा, यह तो हैगा ईवन आ, तो ईवन तो वंडे ही जाना, पहले ही वंडिया गया, दैट मीनस एन की है मेरे को ईवन नंबर, ये तुहाडा राइट आंसर होगा। ठीक है जी, अगे असी गल कर लें हूँ
सम नंबर तुहाडी जो एग्जाम्पल 8 आ। अच्छा कई बार ना इदा हुंदा जिवें हुण वी तां मेरे कोले 99 मल्टीपल ऑफ 11 बनिया सी, ठीक है, पर वो एन दी गल नहीं हुई सी कि 2 मल्टीपल ऑफ 11 है, नहीं 2 तां कि मल्टीपल है ही नहीं 11 दा, 11 दा तो 2 नाल कोई भी लेना देना नहीं, ना कि 2 दे टेबल च आउंदा। पर बहुत टाइम कई बार ना इदा हुंदा कि साडे कोले ऑप्शन बी वी राइट हुंदी आ, ऑप्शन सी भी राइट हुंदी आ, पर ऑप्शन डी दे विच ना उन्होंने ए बी लिखा हुंदा, सारियां ऑप्शन अलग अलग होण तां उत्थे तुसीं ए नहीं कहना कि असीं उहनूं छड्ड दिंदे आ, क्योंकि ऑप्शन ए ते बी तां दोनों ही सही आ, तां तुसीं उत्थे जो पहलां वाली ऑप्शन आ उह लगाउणी आ, क्योंकि एग्जामीनर ज़्यादातर पहलां वाली ऑप्शन नूं ही ठीक करेगा, ठीक है। उत्थे तुसीं पहलां जिवें हुण मन के चलो मेरे कोले एन ईवन भी हुंदा, कोई भी मल्टीपल हुंदा 11 दा, दैन मैं ऑप्शन उहदी बी लगाउणी सी, पहलां वाली ऑप्शन लगाउणी तुसीं उपर वाली, ठीक है। अगे असी करते हैं सम नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये उन्हें की बोलिया कि 6 की पावर 15 मल्टीपल 10 की पावर 5 मल्टीपल 15 की पावर 6। यो कहिंदा 2 की पावर एक्स के बराबर आ, कि बराबर आ 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई, तो 5 की पावर पावर जैड, ठीक है। तो इन्हों जो मैं पावर्स ऐड करूँगा तो इन्होंने केड़िया ऑप्शन बनगियाँ, ठीक है। तो ये की आ देखो, सब तो पहला जो भी साढ़े को इस तरह के सम आते हैं की करना, इतने 2 का लिखा ना 2 की पावर एक्स, बट ये 2 की पावर नहीं गा तो मैं उन्होंने बना लें। देखो हूँ मैं 2 की पावर बनाने की किया, मैं 6 तोड़ सकती हाँ, 2 गुणा 3 लिखदा तो यह भी तो 6 ही बनूंगा ना, तो पावर 15 मैं 15 ही लिख ली। सेम इस तरह मैं 5 गुणा 2 लिख सकती हाँ 10 को, 5 गुणा 2 क्योंकि 5 दूनी 10 हों, पावर उन्होंने ही पा लो जिनी हैगी। फिर 15 में मैं लिख सकती हाँ 5 गुणा 3, यदि पावर 6 है तो 6 पा ली। हूँ असी 2 की पावर, ये जे 2 गुणा 3 की पावर 15 वा, 2 की पावर भी 15 वा, मतलब ये 3 की पावर भी 15, ठीक है। गुणा 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5, मैं कल कल की पावर ले ली, ठीक है। गुणा 5 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6। जो भी सेम नंबर मल्टीपल होंगे तो उन्होंने पावर्स ऐड हो जाएं, जिमें हूँ सेम नंबर 2 की पावर 15 वा गुणा 2 की पावर 5 होर कोई है नहीं, गुणा 3 वाला कढ लैने, 3 की पावर 15 गुणा 3 की पावर 6, फिर गुणा 5 वाला देख लें, गुणा 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6। जो सेम नंबर मल्टीपल होंगे ना तो उन्होंने पावर्स की हो जाए ऐड हो जाए, 15 + 5 गुणा 3 की पावर 15 + 6 गुणा 5 की पावर 5 + 6, ठीक है। हुण देखो 2 की पावर तो बन गई मेरे को 20, 2 की पावर बन गई 20, मतलब 2 की पावर जो एक्स आ वह कितना बन गया मेरे को 20 बन गया। गुणा 3 की पावर, 3 की पावर 15 ते 6 किन्ना होंदा 21, 5 की पावर 5 ते 6 किन्ना होंदा 11, मतलब मेरे को एक्स हो गया इत्थे 20, वाई हो गया 21 ते जैड हो गया 11, इन्हां नूं ऐड कर लैने आ तो ये मेरे को बन गया इत्थे 2 + 2 + 4 = 5 52, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। ये 52 बन गया इन्हों का सम करे तो। जो मेरे को पावर है देखो 2 दे इत्थे पावर एक्स लिखी है, इत्थे 2 मेरे को 20 बन गया तो एक्स कितना हो गया 20, इत्थे 3 की पावर वाई लिखी है तो इत्थे 3 की पावर मैं 21 बना लिया तो वाई कितना हो गया 20, फिर उन्हें पूछा तो की सी भी इन्हों फाइंड द एक्स प्लस वाई प्लस जैड, इन्हों का जोड़ दसो, तो वो जोड़ मैं कढ़ता इतने आ गया 52। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी है, ते वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नू जिन्ना हो सके वध तो वध शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।